बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, टर्निंग पॉइंट तो मेरे ख्याल से पूरे मैच या शाइन की इनिंग्स थी, उनकी बैटिंग थी जो टर्निंग पॉइंट था। मेरे ख्याल से मोमेंटम ले गया उस टाइम, क्योंकि जब हम देख रहे थे, क्योंकि अर्ली ऑन थोड़ा सा पिच पे बॉल उस तरह आ नहीं रहा था, मगर हमने एक टाइम पर फंसा लिया थे, मगर वो शाइन जिस मोमेंटम से ले गया चीज़। और बहरहाल फिर भी वो चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई थी अलहमदिल्ला स्टेज पे। और बहरहाल मेरा बल्ला उस टाइम घूम गया, हाथ में उस तरह पावर नहीं रहा कि इस तरह से मारने के मूड में था उसमें, तो वो बल्ला मेरे हाथ से घूम गया। और बहरहाल वो कैच बहुत अच्छा कर गया, इस वजह शायद रिजल्ट उनके पास ऐसा है। रिजवान, क्या आप समझते हैं कि यू मिस द ट्रिक? 12 से 15 ओवर तक मैच पूरा आपके हाथ में था। शाहिन शाह अफरीदी के खिलाफ उसामा मीर का एक ओवर बाकी भी था, आपने उसे इस्तेमाल अगर करते तो मैच की सूरत हाल मुख्तलिफ। बिल्कुल जी, आपकी अपनी ओपिनियन है और आपकी क्या कहते हैं राय है, मगर जो अंदर हमें समझ में आता है तो क्योंकि हम उसी की कोशिश करते हैं उसी को पूरा करने की, क्योंकि जिस टाइम हम ये समझ रहे थे कि पिच बेहतर हो गया था, अगर 200 के करीब उनको रस्टिक करके, क्योंकि हमारे मेन जो प्लेयर थे पूरे टूर्नामेंट शुरू से लेकर आखिर तक आ रहे थे, वो भी उसमें उसामा भी है, मगर आप किसी भी सम टाइम आप 17वां 18वां ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऑलरेडी उसकी लग गई थी उस ओवर में, तो इसलिए हमने उस मेन अटैकर जो हमारे मेन पावर है सानुल्ला और उसको आबास को लेके आए इस वजह से। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, दिस इज बैराम काजी फ्रॉम ग्रासरूट क्रिकेट। सबसे पहले इवन दो अनलकी रहे, आज हार गए, आप पर्सनली आपके लिए बहुत अच्छा टूर्नामेंट था, तो मुबारकबाद आपको सारी बैटिंग की परफॉर्मेंसेस के ऊपर। और दूसरी ये बात है कि जब एहसानुल्लाह उस डेथ ओवर में आए और शाहीन शाह ने काफ़ी उनको छक्के मार दिए और काफ़ी वाइड जोर किया एहसानुल्लाह से, तो आप उनको फिर से बॉलिंग कराने नहीं लेकर आए, तो इसके पीछे जो आपकी सोच थी वो प्लीज़ समझा दें। देखिए जी, जब भी किसी बॉलर्स का ओवर अच्छा जाता नहीं है तो सम टाइम अब उसकी वजह से आप उसको नहीं लेके आते, आप अपोजिशन के बैट्समैन भी उसको नहीं लेके आते, क्योंकि सम टाइम ऐसे के बॉलर अच्छे कर रहे होते हैं, क्योंकि सम टाइम एक बैट्समैन एक बॉलर आपकी टीम के बॉलर को बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा होता है। क्योंकि हमें जब उसामा को भी लेट आए लेके आए तो हमें भी यही फील हुआ था, क्योंकि उस टाइम वेट फखर उसी का कर रहा था, हम मुझे लगा ऐसा, मेरी अपनी राय है, शायद उसके अंदर माइंड में कुछ और चल रहा था, मगर आप माइंड टू माइंड ही खेलते हैं। मगर शाहीन भी मौजूद था, दूसरे भी मौजूद था, उससे उस टाइम गिर नहीं रहे थे, लाजमी नहीं कि जब जिससे बॉल नहीं गिर रहा होगा, कहीं ना कहीं आते इंसान हैं हम कमजोर हैं सारे, तो उसी को कराया जाए, सिर्फ ये थ्योरी रीजन है। अच्छा रिजवान, हमने 2 से 3 मौके पर ऐसा देखा कि अंपायर ने जो है वो कलंदर्स के प्लेयर से बॉल वापस लिया, बॉल को चेक भी किया, इवन के आपकी तरफ से भी जो है वो कोई कंप्लेन की गई शायद, तो वो क्या इशू था? समझ रहे कि बॉल के साथ कोई शायद कोई कोशिश की जा रही थी? ना नहीं, देखिए जी, कंप्लेंट कोई नहीं था, और मेरे ख्याल से यहाँ पे जो जो स्क्रीन लगी हुई बाउंड्री के करीब, जब बॉल वहाँ पे लगता है ना, तो वो तो ऑब्वियसली सबको पता है थोड़ा सा तेज़ होते हैं, तो बॉल को लाजमी से स्क्रैच होता है उस चीज़ से, तो उसी वजह से वो हमारे बॉल को भी देख रहा था, उनकी बॉल को भी देख रहा था। कंप्लेंट मेरे ख्याल से मेरे तो मुझे तो नहीं पता, अगर मेरे अलावा किसी ने कंप्लेंट की शायद आप लोगों को देखा हो, तो मैं मुझे तो कंप्लेंट नहीं की, ना उन लोगों में से किसी ने कंप्लेंट की। मुल्तान में रिजवान, आप पहला मैच 1 रन से हारे, आज फाइनल 1 रन से हारे, तो इतना क्लोज आके मैच हार जाने पे क्या इमोशंस हैं? कहाँ सम अप करते हैं टूर्नामेंट को? हाजिद भाई, अंदर स्टडी टाइम में जब आए तो हमने भी यही कहा था कि अगर पहला मैच भी देखा जाए तो उस टाइम भी मेरे ख्याल से 42 बॉल 76 काइंड ऑफ थिंग्स थे ऐसे कुछ, और जिस तरह हमारी क्या कहते हैं पावर हिटिंग जो है पीछे, तो अलहमदिल्ला दुनिया की सबसे टॉप पावर हिटिंग है, मगर इंसान कमज़ोर है, और हमने दूसरी चीज़ को याद दिलाया था कि इंशाल्लाह शायद इस दफा हम कर जाएँ, और मगर बहरहाल हमारे लड़कों ने भी काफ़ी एफर्ट किए, क्योंकि 6 बॉलों पे 13 रन रह गए थे, और फिनिशिंग जो टच था वो जबान की बॉलिंग को क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरह उसने ओवर सेव किया और जिस तरह उसने बॉल किए, तो मेरे ख्याल से फिनिशिंग टच कहीं पे भी अगर नहीं होता तो आप फिर क्रिकेट में किसी चीज़ को आप ब्लेम नहीं कर सकते कि यार कहाँ भी कमजोरियाँ थी कहाँ पीछे। 1 रन से जो मैच हारा जाता है तो आप हमेशा उन चीज़ों में देखते हैं कि यार काफ़ी इन टीम से भी लाहौर की तरफ से बहुत सी चीज़ें अच्छी थी, हमारी तरफ से बहुत सी चीज़ें अच्छी थी, क्योंकि 1 रन पे हारना तो मेरे ख्याल समझता है आप किस्मत पे ही डाल देते हैं। रिजवान, लाहौर अपने चेज करते थे मैचेस सारे हारा, तो आप समझते हैं कि अगर आप उनको चेज करवाते तो नतीजा मुख्तलिफ होता? ये एक टेक्निकली पॉइंट था जो हमने लास्ट क्वालिफायर में भी किया था, और मैंने कहा भी था शुरू में कि मैं सिर्फ जा रहा हूँ इस वजह से क्योंकि वो उन चेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, मगर बहरहाल इस डिसीजन पे हम ये नहीं थे, क्योंकि फाइनल में 24 प्रेशर होना ही है, या पहली बैटिंग वाले भी ऐसे बैटिंग वाले प्रेशर तो आना ही आना है, मगर जो प्रेशर पे काबू करेगा तो उसी के पास रिजल्ट जाएगा। तो मेरे ख्याल से जमान ने जिस तरह ओवर किया लास्ट ओवर, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत कम ही टूर्नामेंट में देखा होगा कि 6 बॉल पे 13 रन उसने सेव किया हो, मगर वो वाहिद मुझे लगता है कि बॉलर है शायद कि
पिछले दो तीन पीएसएल में से वो सेव कर रहा है, 6 बॉल 15, 6 बॉल 13, 6 बॉल 11 ऐसे सेव कर रहा है।